हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग प्रोटीन्स देख रहे थे और इसमें पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में अमाइड लिंकेज से जुड़ते हैं तो जो उनका कॉम्बिनेशन है वही पेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। उसमें से हम लोग देखे थे कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप से कंबाइन करता था, कंडेंसेशन होता था दोनों के बीच, ओवरऑल H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, और इस प्रकार से जो है फॉर्मेशन होता था पेप्टाइड का। अब यदि दो मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के मिल रहे थे तो उसको हम लोग डाईपेप्टाइड बोल रहे थे, तीन मिलेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, चार मिलेंगे टेट्रापेप्टाइड, ऐसे करके जो है हम लोग देखे थे। कुछ पेप्टाइड का फॉर्मेशन भी देखे थे, पेप्टाइड का नॉमिनक्लेचर वगैरह भी हम लोग देखे थे। उसी में से कुछ इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड्स हैं, जैसे पेंटा पेप्टाइड्स हैं इम्पॉर्टेंट, और इसमें से है ल्यूसाइन, इंकेफलिन, इंकेफेलिन, और एक और है मिथियोनिन, मिथियोनिन, इंकेफेलिन। ये दोनों पेंटा पेप्टाइड्स हैं, इनका जनरल नाम लिखा हुआ है। ओवरऑल बात करें कौन कौन से अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है तो टायरोसिन, ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन और ल्यूसाइन। यह जो पेंटा पेप्टाइड है यह कहलाएगा ल्यूसाइन इंकेफेलिन, और दूसरा यही कॉम्बिनेशन है टायरोसिन, ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन और लास्ट में मिथियोनिन। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन, मिथियोनिन इंकेफेलिन। अब ये दोनों जो पेंटा पेप्टाइड्स हैं, ल्यूसाइन इंकेफेलिन और मिथियोनिन इंकेफेलिन, तो ये दोनों पेंटा पेप्टाइड्स का हाँ, तो ये दोनों पेंटा पेप्टाइड्स बोल रहा है कि प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसी में ये दोनों पेंटा पेप्टाइड होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे जो कि काम करते हैं, एक्ट एज द बॉडीज ऑन पेन किलर्स। मन होता है ना कि बदन अचानक से कभी दर्द किया और फिर अपने ठीक भी हो गया, तो जब बदन अचानक से दर्द करता है फिर अपने ठीक भी हो जाता है, तो अपने से जो ठीक हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई पेन किलर है बॉडी में जो उस दर्द को ख़त्म कर रहा है। तो वे पेन किलर्स बेसिकली होते हैं ये दोनों पेंटा पेप्टाइड, ल्यूसाइन इंकेफेलिन और मिथियोनिन इंकेफेलिन। ये दोनों पेंटा पेप्टाइड्स जो हैं बॉडी के लिए पेन किलर का काम करते हैं, जो बोल रहा है कि ब्रेन का कुछ स्पेसिफिक पार्ट में होते हैं ये दोनों। तो ऐसे पेप्टाइड्स के कई यूज हैं, इसमें से अभी हम लोग दो तो देख ही लिए, इसी प्रकार से और भी कई हैं, बाकी को भी देखते हैं। देखे थे हम लोग कि पेप्टाइड में बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड है, और वही पॉलीपेप्टाइड का कम्बिनेशन जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये भी देखे थे हम लोग। तीसरी में बोल रहा है कि
ब्रैडिकिनिन, उसके बाद फैसोप्रेसीन और फिर ऑक्सीटोसिन, ऐसा ये सभी नोना पेप्टाइड्स हैं, नौ अमीनो एसिड से मिलके बने हैं नोना पेप्टाइड्स, और ये सभी हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स आगे हम लोग देखेंगे। तो ब्रैडिकिनिन, फैसोप्रेसीन, ऑक्सीटोसिन, ये तीनों नोना पेप्टाइड्स हैं जो हार्मोन्स का काम करते हैं। स्ट्रक्चर की बात यदि करें तो यह जो है ब्रैडिकिनिन, यह बना हुआ है आर्जिनिन, प्रोलीन, फिर से प्रोलीन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन, सीरीन, फिर से प्रोलीन, फिनाइल एलानिन और आर्जिनिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नोना पेप्टाइड हुआ। उसी प्रकार से वैसोप्रेसीन की बात करें तो इसमें है सिस्टीन, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ग्लूटामाइन, फिर एस्पैराजिन, फिर सिस्टीन, प्रोलीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, लास्ट में NH2 ग्रुप रहेगा। और सिस्टीन के जो दो यहाँ पार्ट हुए, ये दोनों के बीच सल्फाइड लिंकेज होता है, सल्फाइड लिंकेज, ऐसा। उसी प्रकार से ऑक्सीटोसिन की बात करें हम लोग तो इसमें भी सिस्टीन, टायरोसिन, आइसोल्यूसाइन, ग्लूटामिन, एस्पैराजिन, फिर सिस्टीन, प्रोलीन, ल्यूसाइन, ग्लाइसिन, लास्ट में NH2। और यहाँ भी जो दो सिस्टीन है वे आपस में सल्फाइड लिंकेज से जुड़े रहते हैं। पढ़े थे हम लोग सिस्टीन और मिथियोनिन में सल्फर होता है, ऐसे। तो ये सभी हुए नोना पेप्टाइड्स जो हार्मोन्स होते हैं। इसमें से ऑक्सीटोसिन जो है सांप का जो जहर होता है उसमें यह हार्मोन पाया जाता है ऑक्सीटोसिन, जहर एक प्रकार से समझो हार्मोन्स। अब बोल रहा है कि इसमें से यह जो वैसोप्रेसीन और ऑक्सीटोसिन है इसका सिंथेसिस सबसे पहले किया गया था विंसेंट डू फिग्नियॉट के द्वारा। विंसेंट डू फिग्नियॉट, इन्होंने ही वैसोप्रेसीन और ऑक्सीटोसिन नामक नोना पेप्टाइड्स का सिंथेसिस किया सबसे पहले, और इसी के लिए जो है इनको 1955 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री का, फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस टू नोना पेप्टाइड्स, दैट इज वैसोप्रेसीन एंड ऑक्सीटोसिन। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में पढ़ोगे, वैसे केमिकल्स जो स्वीटनिंग एजेंट्स का काम करते हैं, जिसका इस्तेमाल स्वीट टेस्ट लाने के लिए किया जाता है। तो कुछ स्वीटनिंग एजेंट हैं जिसमें से एक है एस्पार्टेम, उस एस्पार्टेम का सिंथेसिस भी पेप्टाइड से ही होता है। क्या है देखते हैं हम लोग, एस्पार्टेम जो है क्या, आर्टिफिशियल स्वीटनर। कैसे बनता है तो बोल रहा है कि एल एस्पार्टिक एसिड प्लस एल फिनाइल
एलानिन का मिथाइल एस्टर, ये दोनों का मिथाइल एस्टर। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें यदि हम लोग एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन, तो सबसे पहले ये दोनों कंबाइन करके तो अमाइड बनाएंगे। ये दोनों जो है कंबाइन करके सबसे पहले क्या करेंगे, अमाइड बनाएंगे। तो जैसे सबसे पहले एस्पार्टिक एसिड ले हम लोग NH2CH, CH2COOH, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज एस्पार्टिक एसिड। फिनाइल एलानिन से इसका रिएक्शन, यहाँ पीएच, फिर और यहाँ सीएच, यहाँ हो जाएगा CH2PH और फिर हो गया CCOOH, दिस इज फिनाइल एलानिन। तो सबसे पहले तो यहाँ से H2O निकल करके अमाइड लिंकेज बनेगा, उसके बाद बोला मिथाइल एस्टर है तो यहाँ जो टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। मिथेनॉल से रिएक्शन करवाओगे तो ऐसे, तो ओवरऑल जो यहाँ से बनने वाला है कुछ ऐसा NH2CH CH2COOH C डबल बॉन्ड O N H, फिर CH CH2PH C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ से भी हो जाएगा OCH3। ऐसा इसी को हम लोग बोलते हैं एस्पार्टेम, जो कि 180 टाइम्स स्वीटर देन 180 टाइम्स स्वीटर देन 180 गुना मीठा होता है सुक्रोज के तुलना में, चीनी के तुलना में। बाज़ार में या जो कॉमर्शियली मिलता है तो इसका कॉमर्शियल नेम है नुत्रा स्वीट। जैसे जो भी मीठे चीज़ खाते हो, आइसक्रीम केक वगैरह है, तो इस सब में चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि चीनी जो है वह कहीं ना कहीं डायबिटीज पेशेंट के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, इसलिए वहाँ आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन है एस्पार्टेम, जो कि बाज़ार में नुत्रा स्वीट के नाम से अवेलेबल है। चीनी के तुलना में बोल रहा है कि 180 गुना मीठा है, मतलब थोड़ा सा भी मिलाने के बाद काफ़ी मिठास ले आता है या उस फूड मटेरियल में। तो ऐसे पेप्टाइड्स को हम लोग डील कर रहे थे कि पेप्टाइड्स में कुछ पेप्टाइड्स हैं जो डायरेक्ट हम लोग के ब्रेन में हैं और वे बॉडी के लिए पेन किलर का काम करते हैं, कुछ का देखे कि हार्मोन्स का काम करते हैं, और कुछ फिर हम लोग देखे अभी कि स्वीटनिंग एजेंट जो है उसमें भी पेप्टाइड का ही डेरिवेटिव होता है, जैसे एस्पार्टेम का, सबका नहीं, एक एस्पार्टेम था तो इसको हम लोग देख लिए। अब जैसे हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़े थे कि अमीनो एसिड्स ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करते थे, वाटर में हाईली सॉल्युबल थे, तो चूंकि अमीनो एसिड से मिलकर के ही बना है पेप्टाइड, तो पेप्टाइड भी बेसिकली ज्यूटर आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। मतलब यहाँ से यदि देखोगे तो यह जो न्यूट्रल NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप दिख रहा है ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, H यहाँ ट्रांसफर करके अमोनियम आयन बदल जाएगा और ये जो है सो कार्बोक्सिलेट आयन में बदल जाएगा, है ना। तो नॉर्मली जो है ये ज्यूटर आयन के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब वैसे पॉलीपेप्टाइड्स जिसमें बहुत अधिक अल्फा अमीनो एसिड्स हों, जनरली 100 या उससे अधिक, तो वैसे ही पॉलीपेप्टाइड्स मिल करके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स कंटेनिंग मोर देन 100
अल्फा अमीनो एसिड्स। वैसे पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड्स हो वे कहलाते हैं प्रोटीन्स। वे क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं। समझ गए बात को? अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। प्रोटीन तक पहुंचने के लिए हम लोग पीछे अमीनो एसिड पढ़े, अमीनो एसिड के बाद पेप्टाइड पढ़े। अब चूंकि पेप्टाइड से ही बना पॉलीपेप्टाइड और वही पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देखो। प्रोटीन एक बहुत ही मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। इसके स्ट्रक्चर को डायरेक्टली जानना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसीलिए अलग अलग स्टेजेज में इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। तो प्रोटीन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझने के लिए चार सिंपल स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद बनेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद बनेगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। नहीं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद फिर क्या बनेगा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये चार स्ट्रक्चर्स प्रोटीन, हालांकि प्रोटीन नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए तो उसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है वह क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के रूप में। लेकिन डायरेक्ट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को आप नहीं समझ सकते हो, इसलिए क्वार्टरनरी से पहले टर्शियरी, उससे पहले सेकेंडरी, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर सेकेंडरी में पढ़ेंगे, उसके बाद टर्शियरी, फिर क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या दर्शाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? तो बोला है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इट रेफर्स द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्या हम लोग देखे थे कि प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड से, और पॉलीपेप्टाइड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अल्फा अमीनो एसिड। ठीक, अब अल्फा अमीनो एसिड मिलकर के बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। तो प्रोटीन का एक यूनिट हुआ पॉलीपेप्टाइड। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, अल्फा अमीनो एसिड, और कितने अल्फा अमीनो एसिड है, उसी को बतलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। लिखा है ना, इट रेफर्स द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन्वॉल्व्ड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें से जो अल्फा अमीनो एसिड हैं, कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड हैं, मतलब किस सीक्वेंस में है, और नंबर क्या है, कितने अल्फा अमीनो एसिड है। तो अल्फा अमीनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस यदि जानना हो पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो इसी को बतलाता है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रोटीन का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है बताए उसमें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है।
लेकिन क्वार्टरनरी डायरेक्ट नहीं, शुरुआत करते हैं प्राइमरी से, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या पता चलेगा कि प्रोटीन जिस पॉलीपेप्टाइड से बना है उस पॉलीपेप्टाइड में कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड है, किस सीक्वेंस में है, कौन पहले है कौन उसके बाद है, ऐसे करके इसके बारे में। अब यह पता कैसे किया जाता है, तो इसके लिए है उसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस तो बोल रहा है कि प्रोटीन्स है, इसका सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्रोटियोजेज, फिर प्रोटियोजेज का हाइड्रोलाइसिस से पेप्टोन्स, मतलब अभी तक ये प्रोटीन्स ही हैं, तब पेप्टोन से फिर बनता है पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से फिर बनेगा सिंपल पेप्टाइड, सिंपल पेप्टाइड, और उसके बाद फिर मिलेगा अल्फा अमीनो एसिड। समझ गए, तो ऐसे पता किया जाता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड से मिल करके वह पॉलीपेप्टाइड चेन बना है। इसके लिए सीक्वेंस हम क्या बताएं कि जो भी प्रोटीन है सबसे पहले उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा वह कहलाता है प्रोटियोजेज, फिर थोड़ा और हाइड्रोलाइज करोगे तो पेप्टोन्स, पेप्टोन का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से सिंपल पेप्टाइड, तब अल्फा। देखो डायरेक्ट नहीं, यदि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस शुरू में ही कर दोगे ना तो डायरेक्ट वो अल्फा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए स्टेप वाइज हम लोग को इसमें चलना है। अब बोल रहा है कि सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर जो पता किया गया था वह किया गया था इंसुलिन का। इंसुलिन का जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले पता किया गया था इंसुलिन का, किनके द्वारा, तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट, ब्रिटेन के ब्रिटिश केमिस्ट, जिनका नाम था फ्रेडरिक सैंजर, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1958 में, नोबेल प्राइज से भी इनको सम्मानित किया गया। तो सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर जो पता किया गया था इंसुलिन के लिए कौन पता किए थे, तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे फ्रेडरिक सैंजर 1958 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। 1958 में पता नहीं किए थे, मतलब कि इस ईयर में उनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था। अब यह इंसुलिन है क्या, सबसे पहले यह जो इंसुलिन है वो है क्या, तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है जो बना है पेप्टाइड से, जो बना है पेप्टाइड से, और काम इसका क्या है, तो इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स बाय प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इंटू लीवर, फैट एंड स्केलेटल मसल सेल्स। ऐसा तो इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन जो पेप्टाइड से बना है। बॉडी के अंदर इसका मेन काम क्या रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मतलब ये सभी किस प्रकार से मेटाबोलाइज करेंगे बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट करता है या इंसुलिन। कैसे रेगुलेट करता है, तो बोल रहा है कि ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको ट्रांसफ़र करता है लीवर और स्केलेटल मसल सेल्स में, है ना, इससे ऐसे जो है या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो है प्रोसीड करवाता है। और इसी इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को जो है एक्सप्लेन किया गया था
फ्रेडरिक सैंजर के द्वारा। ठीक है, अब क्या इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या बोले, पता क्या चलता है कि कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड हैं, कितने हैं, किस सीक्वेंस में है, तो उसी के बारे में जो है देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि जो इंसुलिन है इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसमें टोटल दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो टोटल अमीनो एसिड है वे 51 अल्फा अमीनो एसिड्स। नहीं, इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर में टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितने हैं, दो, और ये दोनों चेन मिला करके जो टोटल अल्फा अमीनो एसिड है वे कितने हैं, 51। आप ये मत सोचना कि पढ़े तो 20 ही अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड रिपीट करेगा ना, सेम अमीनो एसिड दो तीन बार हो सकता है, उससे ज़्यादा। अब इसमें से जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें से एक को माना गया है पेप्टाइड चेन ए, दूसरा है पेप्टाइड चेन बी। अब इसमें से ए में है 21 अल्फा अमीनो एसिड, तो बाकी जो बचे 30 वह बी में होगा अमीनो एसिड्स। अब यह जो चेन ए और बी है इसके बीच बोल रहा है कि डाइसल्फाइड लिंकेज है, ऐसा, दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, बहुत भी आएगा, तो कि इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर में टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितने हैं, तो दो है। या फिर ऐसे पूछेगा कि इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर में टोटल अल्फा अमीनो एसिड्स कितने हैं जो पेप्टाइड चेन को बनाए हैं, तो टोटल जो अल्फा अमीनो एसिड हुए वे कितने हुए, 51। ये 51 अल्फा अमीनो एसिड्स मिलकर के दो पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। इसमें से जो पेप्टाइड चेन ए है उसमें बोल रहा है कि 21 अल्फा अमीनो एसिड है, और जो पेप्टाइड चेन बी है उसमें 30 अल्फा अमीनो एसिड है, और जो पेप्टाइड चेन ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं वह किस लिंकेज से जुड़े हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज से, माने सल्फर सल्फर का बॉन्ड से। अभी 21 और 30 अल्फा अमीनो एसिड को ड्रॉ करना यहाँ पॉसिबल तो नहीं है, नोट्स में देखोगे उसमें फिगर बना हुआ है और किस प्रकार से लिंकेज है वह भी उसमें जो है दिखलाया गया है। तो थोड़ा सा समझने के लिए फिर भी मान लें हम लोग यहाँ पेप्टाइड चेन ए है, ठीक है, शुरू है ग्लाइसिन से, इसमें बहुत सारे ऐसे ही जुड़ते गए हैं, फिर बीच में आता है सिस्टीन, फिर बीच में आएगा सिस्टीन, फिर ऐसे ही बहुत सारे जुड़ते गए हैं, फिर है सिस्टीन, और लास्ट में इसका है एस्पैराजिन। शुरुआत है ग्लाइसिन से, लास्ट है एस्पैराजिन से, पॉलीपेप्टाइड चेन ए में जिसमें टोटल 21 अल्फा अमीनो एसिड है। उसी प्रकार से बी में देखोगे तो यहाँ शुरू है फिनाइल एलानिन से, फिर यहाँ भी बढ़ते जाओगे तो यहाँ सिस्टीन, फिर आगे बढ़ोगे तो ऐसे ही बढ़ते जाना है तो यहाँ भी जो है 16, चूँकि इसमें ज़्यादा है तो यह थोड़ा फोल्ड कर जाता है रिंग, और लास्ट में इसमें है एलानिन, ऐसा। तो यह हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन ए जिसमें टोटल कितना बोले, 21 अल्फा अमीनो एसिड। ई हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन बी जिसमें 30 अल्फा अमीनो एसिड है। अब इसमें से 16 और 16,
ये दोनों के बीच आपस में यहाँ सल्फाइड लिंकेज होता है, और इसका सिस्टीन और फिर इसका सिस्टीन, यहाँ बीच में और सिस्टीन होगा, एक और सिस्टीन, तो यहाँ भी एक सिस्टीन मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच भी यहाँ डाइसल्फाइड लिंकेज होगा। वैसे यहाँ इस प्रकार से, तो ये क्या काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इंसुलिन में जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है वे आपस में किस लिंकेज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दे देगा ना, कई सारे लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज, ऐसे कई प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। और डाइसल्फाइड लिंकेज ऑब्वियसली जब भी बनेगा तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मतलब सिस्टीन या मिथियोनिन से बनेगा, ध्यान रखोगे इस बात को। तो ये पूरा ओवरऑल है, स्ट्रक्चर आएगा मतलब इससे, तो स्ट्रक्चर बनाने नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और बता दिए क्या क्या आ सकता है, कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, दो, टोटल अमीनो एसिड कितने, 51, चेन ए में कितने, 21, चेन बी में कितने, 30, कौन सा लिंकेज है दोनों चेन के बीच, तो डाइसल्फाइड लिंकेज है, बस इतना सा बात याद रखना है। बाकी स्ट्रक्चर नोट्स में देखोगे पूरा लिखा हुआ है, बेसिकली क्या था उसको हम यहाँ बता दिए। तो इस तरह से प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लोग समझ गए, और उसमें से एग्जाम्पल हम लोग लिए किसका, इंसुलिन का, और इस स्ट्रक्चर से हम लोग को पता चला कि टोटल कितने अल्फा अमीनो एसिड हैं और किस सीक्वेंस में अरेंज हैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। धन्यवाद।